The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे आज ये वीडियो बनाया जा रहा है बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। आपने सुना होगा कि हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, इन सब जगहों में हज़ारों की तादाद में बर्ड्स, पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं। मरे हुए पक्षी पाए जा रहे हैं, और इनका जब लैब टेस्ट हुआ तो इसमें H5N8 करके एक एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू का वायरस कारण पाया गया। ये H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का ही एक वेरिएंट है। ये पक्षी जो है, कई इसमें बार हेडेड गूस है, कोई गल्स मर रहे हैं, क्रोज मर रहे हैं, और पीकॉक मर रहे हैं। तो ये अलग अलग पक्षियों को यानी किसी भी प्रकार की बर्ड्स को अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए इसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इसीलिए इसे बर्ड फ्लू कहते हैं। ये बर्ड को होने वाली बीमारी है, और ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड में बहुत जल्दी फैलता है। अब इसी वजह से ये यहाँ से वहाँ फैल सकता है, बिकॉज बर्ड्स उड़ती हैं, और जो बर्ड यहाँ से वहाँ जाती हैं, माइग्रेट करती हैं, ये उन बर्ड्स के सिक्रीशंस में, यानी वो जो जो निकालती हैं, जो भी पदार्थ निकलता है उनके अंदर मौजूद हो सकता है, और उस पदार्थ के अंदर वायरस होना, वो वायरस उस दूसरी जगह पे जहाँ पर बर्ड्स इकट्ठा रहती हैं, जहाँ पर उनको पाला जाता है, जहाँ वो एक साथ हज़ारों की तादाद में, अगर वहाँ एक को भी हो गया तो वहाँ सबको हो जाएगा, इतनी तेज़ी से वो फैलता है। सो इट कैन बी देयर बिकॉज ऑफ ऑल दीज इशूज। अब ये एक इशू चल रहा है जिसके वजह से बर्ड्स का इधर से उधर ले जाना मना कर दिया गया है केरल में, और बाकी सब जगहों से पोल्ट्री ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया है, बिकॉज ये डेड बर्ड्स के भी अंदर उनके सिक्रीशंस में रह सकता है। डेड बर्ड्स के थ्रू ये दूसरी बर्ड्स को हो सकता है। सो जो मरे हुए बर्ड्स हैं, अगर वहाँ वो भी फैला सकते हैं, तो ये रिस्क की बात है। तो इसीलिए ये पोटेंशियल रिस्क पूरी दुनिया के बर्ड्स में ना फैल जाए, इसीलिए इसको समय पे वहीं के वहीं रोकना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात क्या है कि ये इंसानों में उतनी आसानी से नहीं फैलता, सिर्फ उन इंसानों में फैल सकता है जो इन्फेक्टेड बर्ड को हैंडल कर रहे हैं, या मरी हुई इन्फेक्टेड बर्ड को हैंडल कर रहे हैं, यानी इन्फेक्टेड बर्ड का मांस हैंडल कर रहे हैं, या इन्फेक्टेड बर्ड को हैंडल कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये पूरी इंडिया के या दुनिया भर के बर्ड्स को ना हो जाए, वरना कई सारे जो लोग इनको हैंडल कर रहे हैं उनको रिस्क हो जाएगा, उनको रिस्क हो जाए, उनको भी 100% होगा ज़रूरी, उनको रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर उनको होता भी है, जो बर्ड से इंसान को होता है, तो इंसान टू इंसान ये नहीं फैलता। नहीं फैलता का मतलब नहीं है कि नहीं फैल सकता, जी नहीं, याद रखिए कोरोना वायरस भी एक म्यूटेटेड वायरस है, जो हो सकता है जानवर से, बैट से, चमगादड़ से इंसानों में आया हो और फिर इंसान से इंसान में फैल रहा है। वैसे ही बर्ड फ्लू के अंदर H5N1 में भी ये टेंडेंसी है, ये हो सकता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो आगे ज़िंदगी में, कि कभी ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि वो इंसान टू इंसान भी ट्रांसमिट होने लग जाए कोरोना वायरस की जैसे, तो ये भी एक पैंडमिक का रूप धारण कर सकता है। इसीलिए इसको वहीं के वहीं बर्ड्स को रोकना ज़रूरी होता है, वहीं के वहीं इस बर्ड फ्लू को रोकना ज़रूरी होता है, ना कि वो पूरे इंडिया में फैले। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा पहले कई बार हो चुका है, 2015 में हुआ, 2017 में हुआ, और ये सिर्फ वायरसेस के वजह से नहीं होता, ये तो एक वायरस है, बर्ड फ्लू एक वायरस है। ऐसा 2020 में ही बैक्टीरिया, लास्ट ईयर एक साल पहले बैक्टीरिया के वजह से 12,000 से ज़्यादा डक्स मर गए थे वहाँ पे, रोमियोनेला करके बैक्टीरिया था। अब इस बारी ये वायरस है, ये कंफर्म किया गया है लैब टेस्टिंग से, और इसीलिए जिस भी इलाके में वो ये वायरस वाले बर्ड पाई जाती है, बहुत सारे उसके आसपास 1,000 किलोमीटर तक
एक-एक बर्ड का चेकअप होता है और वहाँ पे जहाँ पर भी बर्ड पाई जाती है, बर्ड फ्लू पाया जाता है, उस एरिया के बर्ड्स की कलिंग कर दी जाती है, इन्हें पकड़ के उनको मार दिया जाता है। और वो भी जो पकड़ के मारते हैं वो भी पूरा प्रिकॉशन लेके पीपी किट पहन के खुद एंटीवायरल मेडिसिन लेके जाते हैं कि गलती से इंसानों का ना हो जाए, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इस वायरस को और चांस ना दें पनपने का। जब कोई वायरस फैलता है, पनपता है, तभी ये इंसानों में यानी म्यूटेट हो पाता है और इसका म्यूटेशन इंसान टू इंसान फिर फैल पाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस वायरस को वहीं रोक दिया जाए। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये वायरस फैलता है तो भी इंसान टू इंसान फैलेगा कि नहीं फैलेगा, अभी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको अगर होने के चांस होंगे तो कहाँ से होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी ये फैला भी तो बर्ड्स में फैलेगा, इन्फेक्टेड पोल्ट्री में फैलेगा, पोल्ट्री में यानी के मरे हुए बर्ड्स यानी रॉ मीट के अंदर फैल सकता है। रॉ मीट अगर आप मांस को हैंडल करते हैं, रॉ कच्चे मांस को अगर आप हैंडल करते हैं, पकाते हैं और उस पका हुए हाथ से आप अपने मुंह को नाक को हाथ लगाते हैं तो आपको होने के चांसेस है, बशर्ते कि वो भी इन्फेक्टेड बर्ड का पंछी का मांस हो। इन्फेक्टेड पंछी के मांस को आपने हैंडल किया और फिर आपने प्रिकॉशंस लिए, आपने प्रॉपर हैंडल किया, पीपी किट पहन के या ग्लव्स पहन के, तब आपको होने के चांसेस नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इन्फेक्टेड मांस को भी अगर आप पका के खाएंगे तो उसमें ये वायरस मर जाता है। 70 डिग्री से ऊपर कहते हैं ये वायरस मर जाता है, तो पकाने में तो पूरी तरह से अगर पका हुआ आप खाएंगे मीट तो आपको कोई खतरा नहीं है। तो पका हुआ मांस आप खा सकते हैं, पका हुआ अंडा आप खा सकते हैं, अंडे के अंदर भी ये वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं, अंडे के ऊपर शेल के ऊपर लगा हुआ हो सकता है। तो अंडे को धो के हैंडल करें, अंदर से पका के खाएं, फ्लोइंग एग या सनशाइन एग, वो सारे एग, कच्चे अंडे, आधे कच्चे, हाफ फ्राइड वाली चीज़ें ना खाएं। आप अंडे खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, लेकिन सही से पका के खाएं और पकाते से पहले, पकाने के बाद अपनी प्रिकॉशंस जो कोरोना वाली प्रिकॉशंस है बस वही लेनी है। चिकन में कोरोना, रॉ चिकन में कोरोना भी हो सकता है, उसमें बर्ड फ्लू भी हो सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी है, इसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद है, H5N1 की वैक्सीन जो कि CDC के पास में बनी पड़ी है। अगर ये फैला भी तो वो फिर दे दी जाएगी। बुरी बात यह है कि ये जो वायरस है ये कोरोना से बहुत ज़्यादा घातक है। कोरोना जहाँ 1-3% मोर्टेलिटी है, ये 50-70% तक जान जा सकती है अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने लगा। तो इसलिए खतरे वाली चीज़ है, ये घातक है ह्यूमन के लिए, जब भी ह्यूमन में होता है, इसलिए ह्यूमन में ना हो, इंसानों को ना हो, ये ज़रूरी है। अव्वल इसके भी वेरिएशंस हैं, जब H5N1 नाम का वायरस है और अब जो पाया गया वो H5N8 है, मतलब N1 से N8, N9 ऐसे बहुत सारे वेरिएशन हैं। और ये H5N8 जो पाया गया है ये एक्चुअल प्राइमरी H5N1 से थोड़ा कम घातक है, लेकिन फिर भी कोरोना से कई ज़्यादा गुना घातक है। इसीलिए ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलना चाहिए, इसीलिए ये वायरस पनपना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। इवन इफ अगर ये वायरस फैलने लगता है तो और एक अच्छी बात है कि एंटीवायरल मेडिसिन है जो प्री एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर भी काम करती है। 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अगर आप एक्सपोज हो गए और आपने ये एंटीवायरल मेडिसिन ले ली, जैसे ओसेल्टामिविर, फ्लूविर, जो कि एक फ्लू के लिए मान लीजिए प्रिकॉशनरी मेडिसिन दी जाती है, तो 70-90% तक वो इफेक्टिव है कि आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं होगी। और इसमें भी फ्लू जैसी सिंपल बीमारी होती है, सिंपल जो कोरोना में आपने देखा, थोड़ा बहुत बुखार, सर्दी खांसी और हेडेक, मसल पेन, कभी डायरिया, रनिंग नोज, थ्रोट, और बहुत हो गया तो सीरियस हो गए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए भी आपके सारे वही टेस्ट होते हैं जो कोरोना के लिए होते हैं, ब्लड टेस्ट से लेके और गले का स्वैब निकाल के RT-PCR होता है। इस बार RT-PCR जो है ये H5N1 या H5N8 बर्ड फ्लू वायरस के लिए होता है, ना कि कोविड-19 के लिए। सो
सो इसके लिए भी ट्रीटमेंट एंटीवायरल मेडिसिन ही है ये फ्लूविर, और दूसरी जो मेडिसिन इसमें काम कर, एक तो ओसलटामिविर होगी और दूसरी है जनामिविर। जनामिविर और ओसलटामिविर ये दो एंटीवायरल मेडिसिन हैं जो डिजीजेस जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुए उनमें काम करती हैं, सीरियस बीमारी के लिए। बाकी सारे जो जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, थोड़े बहुत स्टीरोइड्स, थोड़ा बहुत सांस के लिए सपोर्टिव एडमिशन, वो सारे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन वो सारे दिए जाते हैं, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि ये सीरियस हो ही ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, नेशन वाइड पूरे इंडिया में सर्वेलेंस हो कि कहाँ का, और बर्ड्स को पकड़ पकड़ के उनकी टेस्टिंग की जाए, बर्ड्स की टेस्टिंग किस किस बर्ड में किस किस इलाके में ये आ गया है, बिकॉज बर्ड्स माइग्रेटरी होती हैं, एक एक शहर से दूसरे शहर उड़ के जाके फैला सकती हैं, इसलिए नेशन वाइड करना पड़ेगा, सर्वेलेंस करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी हो रही है और हो सकता है कल परसों ये सर्वेलेंस किया जाए, और जहाँ जहाँ ये पाया जाएगा वहाँ पे कुछ एक किलोमीटर के रेडियस या कुछ टाइम रेडियस में कलिंग करनी होगी। कलिंग का मतलब है बर्ड्स को पकड़ के, क्योंकि वो खुद मरने वाली हैं और वो फैला के मरेंगी, इससे अच्छा फिर वो उसको मार देते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये करते हैं, और ताकि ये आदमियों इंसान में ना फैले। सो अगर आप बचना चाहते हैं ऐसी किसी भी चीज़ से तो कोविड वाले प्रिकॉशंस फॉलो करिए, आपने हाथ अपने धो के इस्तेमाल करना है, मांस मच्छी अंडा खा सकते हैं पर सही से पका के खाएं, और पकाने से पहले पकाने के बाद हाथ अच्छे से धो लें, रॉ मीट को हैंडल ना करें। याद रखें एवियन H5N1 नामक वायरस है जो बाकी कोविड के जैसे घातक रूप ले सकता है, और चांसेस अगर आपको हो जाए तो 50-70% डेडली हो सकता है। सो दिस इज अबाउट कोविड, दिस इज अबाउट बर्ड फ्लू H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि जो लोग एक्चुअली हैं इस नॉलेज की ज़रूरत जिनको है उनको मिले और वो प्रिकॉशंस ले, ताकि ये आप तक ना पहुँच पाए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।